1,18,000 रेट। 1,65,000। 1,65,000। 1,62,000। 72,000 रुपया मात्र। 1,48,000। मात्र 42,000। 1,80,000। 1,18,000। 1,15,000। 65,000। 1,10,000। 1,05,000। 1,10,000। 2,65,000। 1,95,000 रेट है। 1,75,000। 2,65,000। 2,65,000 में BMW 310cc आपको मिल जाता है। 1,15,000। मात्र 58,000 में दे देंगे। ये 78 60,000 मतलब 33,000 में लेके जा सकते हैं। मात्र 42,000 में देंगे। 64,000 में। 86,000 में दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजन ज्ञान में। कम समय में ज्यादा जानकारी, आपका भाई एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका है। धमाकेदार वीडियो इसलिए क्योंकि अभी मैं हूँ व्हीलर डीलर के दलादली ब्रांच में। आज मैं आपको बहुत सारे बाइक के कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, जैसे कि BMW, KTM, निंजा और भी बहुत सारे बाइक के कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, वो भी कम से कम प्राइस में। तो चैनल पे नए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, आज कौन कौन सी गाड़ी आप दिखाने वाले हैं? आज दिखाएंगे जावा थंडरबर्ड 2015 मॉडल। बोल रहे थे BMW आया हुआ है। हाँ, एक BMW तो आया हुआ है, एकदम न्यू है। 10cc का 310। और कौन कौन सा गाड़ी दिखाएंगे? KTM का RC है, डुक है, MT है। गाड़ी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले एड्रेस बताइए यहाँ का। एड्रेस है रिंग रोड दल्ला दल्ली। नियरेस्ट में क्या है? MS धोनी फार्म हाउस है। एड्रेस हो गया रिंग रोड दल्ला दल्ली। लैंडमार्क की बात करें तो MS धोनी का फार्म हाउस जी। सर पहली गाड़ी कौन सी रहेगी आज की? 500cc का बुलेट है। 500cc का बुलेट है जी। कब का मॉडल है ये? 18 का मॉडल है। 2018 का मॉडल है जी। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर कितना चला हुआ है? 38,000 चला हुआ है। मात्र 38,000 किलोमीटर चला हुआ जी। कितना देंगे पार्टी को? 1,18,000 रेट पर। 1,18,000 में मात्र 500cc का बुलेट। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 5,000। 5,000। और जो वीडियो देख के आएगा उसको 1,000 प्लस। 1,000 और डिस्काउंट मिल जाएगा जी। इसका मीटर देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं। देखिए मैं मीटर आपको दिखा दे रहा हूँ, 39,187 चला हुआ है। मीटर में कोई छेड़छाड़? कुछ नहीं बैठा। और गाड़ी में कोई काम? कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है, गाड़ी एकदम नया है। हाँ। बात करते हैं कंडीशन की, तो आगे पीछे का टायर नया है, आगे डिस्क मिल जाता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। मात्र 1,18,000 रुपए में ये गाड़ी। अगली गाड़ी जावा 42। जावा 42 जी। कब का मॉडल है? 21 का मॉडल है। 2021 का मॉडल है जी। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर। कितना चला हुआ है? 6,000 किलोमीटर यूज किया हुआ है। 6,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ। कितना में देंगे पार्टी को? 1,65,000। 1,65,000 में जी। कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 5,000। 5,000 डिस्काउंट हो जाएगा। वीडियो देख के आएगा उसको 1,000 का अलग से डिस्काउंट जी। और बात करते हैं पेपर का, तो इंश्योरेंस वगैरह? हाँ अभी तो होगा इसका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होगा ना जी। BS4 है, BS6 है? 6 है। हाँ तो इसका इंश्योरेंस होगा अभी। ट्रांसफर दे रहे हैं मात्र 1,65,000। 1,65,000 में। अगली गाड़ी थंडरबर्ड X। थंडरबर्ड X जी। कब का मॉडल है ये? ये मॉडल है 20 का। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना में देंगे पार्टी को? 1,22,000। 1,22,000 में। कितना चला हुआ है? चला हुआ 15-16,000 किलोमीटर। 15-16,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है। डिजिटल मीटर है इसमें ना जी। 15-16,000 किलोमीटर चला होगा। हाँ। कितना में देंगे पार्टी को? 1,22,000। 1,22,000 में। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 5,000। मतलब 5,000-6,000 आपको डिस्काउंट मिल जाता है जी। बात करते हैं कंडीशन की, तो कंडीशन काफी अच्छा है। आगे पीछे टायर न्यू है, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। मात्र ये गाड़ी 1,22,000 में जी। अगली गाड़ी थंडरबर्ड। कब का मॉडल है ये? 14 का है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना चला हुआ है? चला हुआ 35,000 के आसपास। 35,000 के आसपास। कितना में देंगे पार्टी को? पार्टी को मिल जाएगा 72 में। 72,000 रुपया मात्र। अलॉय व्हील लगा हुआ है। 5,000-6,000 डिस्काउंट भी मिलेगा और थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है इसमें। आगे पीछे अलॉय व्हील लगा हुआ है, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगली गाड़ी KTM RC 125। KTM RC 125 जी। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कब का मॉडल है? 2020 का मॉडल है। 2020 का मॉडल है। कितना चला हुआ है? 31,000 यूज किया हुआ है। मात्र 31,000 किलोमीटर चला हुआ है। कितना में देंगे पार्टी को? 1,48,000। 1,48,000 में दे देंगे। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5,000। 5,000 डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
मात्र 1,48,000 में ये गाड़ी आपको मिल जाती है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन काफ़ी अच्छा है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाता है, टायर की कंडीशन काफी अच्छी है, मात्र 1,48,000 में। अगली गाड़ी CBR, होंडा का CBR, कब का मॉडल है? 15 का मॉडल, 2015 मॉडल है जी। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना में देंगे पार्टी को? 42। कितना चला होगा? चला हुआ है 35,000 के आसपास। 35,000 किलोमीटर चला होगा, मात्र 42,000 में दे रहे हैं। डिस्काउंट भी मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा? नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा। नहीं। और जो हम लोग अभी इतनी गाड़ी देख के आ रहे हैं, RC देखते वो सब फाइनेंस हो जाएगा, जावा देखते आ रहे हैं, 14 का सिर्फ फाइनेंस नहीं हो पाएगा, 14 वाला ये फाइनेंस नहीं होगा, बाकी सब फाइनेंस हो जाएगा। जावा फाइनेंस हो जाएगा, क्लासिक फाइनेंस हो जाएगा, RC फाइनेंस हो जाएगा, और 500 cc भी फाइनेंस हो जाएगा, बुलेट भी हो जाएगा। कितना होगा? 30%, मात्र 30% देना होगा। अगली गाड़ी 200 Duke है। 200 Duke, ये नया आया है? हाँ, 2021 का मॉडल है। 2021 का मॉडल है। हाँ। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना चला हुआ है? चला हुआ तो इसका देखे नहीं है, देखे नहीं, चेक करके बताएंगे, देख के बताएंगे। कितना में देंगे पार्टी को? 1,80,000 रखे हैं इसका। 1,80,000 रुपया दाम मात्र रखे। कितना डिस्काउंट करेंगे इस पर? 5,000। 5,000 डिस्काउंट हो जाएगी। गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ फाइनेंस हो जाएगी, गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? 30% जी। ऐसे मोटा मोटी कितना चला हुआ? कंडीशन तो काफी अच्छा दिख रहा है गाड़ी। चला ज्यादा नहीं, 14-15,000 के नया दिख रहा है गाड़ी। हाँ। बात करते हैं गाड़ी की कंडीशन की, तो आगे पीछे ABS के साथ में आपको मिल जाता है, डिस्प्ले के साथ में, और टायर की कंडीशन भी अच्छी है। गाड़ी में कुछ काम करवाना पड़ेगा? नहीं, वैसा तो कुछ काम नहीं, तेल डालो और चलाओ, चलाइए। ये गाड़ी मात्र आपको मिल जाती है कितने में? 1,80,000। 1,80,000 में, और डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ये गाड़ी आप फाइनेंस करवा सकते हैं। अगली गाड़ी 125 RC, 2019 मॉडल, ड्यूक 125 cc जी। कब का मॉडल है? 19 का है। 2019 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर। कितना चला हुआ है? 25,000 चला हुआ है। कितना में देंगे पार्टी को? 1,18,000। 1,18,000 में। डिस्काउंट कितना मिलेगा? 5,000। 5,000 से 6,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? जी हो जाएगी। 30% डाउन पेमेंट करके लेके जा सकता है इसको। बात करते हैं कंडीशन की, तो कंडीशन काफी अच्छा है, टायर आगे पीछे अच्छा है, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS के साथ में। मात्र कितना मिलता है सर ये? 1,18,000। मात्र 1,18,000 में KTM Duke 125। अगली गाड़ी MT 15 जी। कब का मॉडल है? 19 का है। फर्स्ट ओनर, सेकेंड ओनर? सेकेंड ओनर। सेकेंड ओनर है जी। कितना चला होगा लगभग? 36,000 चला हुआ है। कितना में देंगे पार्टी को? 1,15,000। 1,15,000। 1,15,000। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 5,000। 5,000 से 6,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी जी। ये गाड़ी आप 30% डाउन पेमेंट करके लेके जा सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो आगे पीछे का टायर काफी अच्छा है, आगे पीछे आपको ABS सिस्टम के साथ में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और टायर काफी अच्छा है। ये गाड़ी आपको मात्र मिल जाती है 1,15,000। 1,15,000 में 30% डाउन पेमेंट करके आप लेके जा सकते हैं। अगली गाड़ी X-Blade, होंडा का X-Blade जी। कब का मॉडल है? मॉडल ये 19 का है। 2019 का है। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर। कितना चला हुआ है? चला हुआ 18,000 है। 18,000 चला हुआ। कितना में देंगे पार्टी को? 65,000। मात्र 65,000 में ये गाड़ी दे देंगे। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी जी? हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। 30% डाउन पेमेंट करके ये गाड़ी भी आप लेकर जा सकते हैं। डिस्काउंट कितना मिलेगा इस पे? 5,000 से 6,000 डिस्काउंट मिल जाता है आपको। वीडियो देख के आइएगा तो 1,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप हेलमेट वगैरह खरीद सकते हैं। और बात करें गाड़ी के कंडीशन की, तो कंडीशन काफी अच्छा है, आगे पीछे का टायर नया है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम मिल जाता है। ये गाड़ी मात्र कितने में लेके जा सकते हैं आप? 65,000। मात्र 65,000 में। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, और भी बहुत सारा कलेक्शन आपको दिखाते हैं अभी, और आपको आना है व्हीलर डीलर दला दली में। अगली गाड़ी Apache 4V। अपाची 4V कब का मॉडल है? 22 का है। 2022 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना चला हुआ है? 14,000। मात्र 14,000 चला हुआ। कितना में देंगे पार्टी को? 1,10,000। 1,10,000 में देंगे। कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 5,000 से 6,000 होगा डिस्काउंट। 5,000 से 6,000 हो जाएगा। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ हाँ फाइनेंस हो जाएगी। इंश्योरेंस तो इसका भी होगा? हाँ, इंश्योरेंस मिल जाएगा, क्योंकि 2022 का गाड़ी है। किलोमीटर चला हुआ है। कितना चला हुआ? 10,000। मात्र 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये गाड़ी आपको मिल जा रही है 1,10,000 में। बात करते हैं गाड़ी कंडीशन की, तो कंडीशन एकदम न्यू है। आगे आपको ABS मिल जाता है, पीछे ड्रम मिल जाता है, और टायर की कंडीशन एकदम न्यू है, और गाड़ी भी नया है। अगली गाड़ी Apache 180 है। Apache RTR 180 कब का मॉडल है? 21 का है। 2021 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर, सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना चला हुआ होगा लगभग? 12,000 के आसपास। 12,000 चला हुआ। कितना में देंगे पार्टी को? 1,05,000। 1,05,000। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? डिस्काउंट मिलेगा 5,000 का। 5,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। ये गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगी जी? फाइनेंस हो जाएगी।
कब का मॉडल बताया आपने? मॉडल है ये 2021 का। 2021 का मॉडल है, इस पे भी तो इंश्योरेंस होगा ही? हाँ इंश्योरेंस तो होगा इसका भी। लाल वाली भी एकदम न्यू है RTR, ब्लैक वाली भी RTR एकदम न्यू है। इसका दाम 110,000 है, इसका दाम है 105,000। उस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ये गाड़ी भी फाइनेंस आप करवा सकते हैं। कंडीशन में बता देता हूँ, कंडीशन काफी अच्छा है, गाड़ी एकदम न्यू दिख रहा है, एकदम चमक रहा है, एक भी स्क्रैच नहीं है ना लाल वाले पे ना ब्लैक वाले पे। इस गाड़ी में आपको आगे पीछे ABS के साथ में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, टायर की कंडीशन एकदम न्यू है, गाड़ी आप फाइनेंस करवा सकते हैं 105,000 मात्र। अगली गाड़ी थंडरबर्ड, रॉयल एनफील्ड का थंडरबर्ड 350cc जी। कब का मॉडल है? 15 का मॉडल है। 2015 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। कितना चला हुआ है लगभग? 17,000। कितना देंगे पार्टी को? 110,000 में। 110,000 में दे देंगे। अलॉय व्हील लगा हुआ है। इसे मॉडिफाई किया गया है? हाँ हाँ किया गया है। थंडरबर्ड में आपको आगे पीछे अलॉय व्हील मिल जाता है, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक के साथ में गाड़ी मिल जाता है मात्र 110,000। 110,000 में ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? नहीं ये फाइनेंस नहीं होगा, ये गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी, आपको हार्ड कैश लेना पड़ेगा। डिस्काउंट आपको 5,000 से 6,000 मिल जाएगा। कंडीशन में बता देता हूँ, गाड़ी का कंडीशन काफी अच्छा है, आगे पीछे टायर एकदम न्यू है, आपको आगे पीछे अलॉय व्हील के साथ में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगली गाड़ी 390 है। अच्छा ये 390 है, बाहर में था वो 200 था, एक 125। ये है KTM Duke 390। कब का मॉडल है सर ये? 21 का मॉडल है। 2021 का मॉडल है जी। इंश्योरेंस तो इस पे भी होगा? हाँ। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना चला होगा लगभग? 6,000 किलोमीटर यूज किया होगा। 6,000 किलोमीटर चला होगा। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है? फर्स्ट ओनर है। कितना में दे देंगे पार्टी को? 265,000। 265,000 में मात दे देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे इस पे? 5,000। 5,000 पे मिल जाएगा? हाँ डिस्काउंट हो जाएगा। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ फाइनेंस हो जाएगी। ये गाड़ी भी फाइनेंस जी हो जाएगी। और इसका दाम कितना रखा है मात्र आपने? 265,000। 265,000 में ये गाड़ी अवेलेबल है। और गाड़ी का कंडीशन क्या मैं बताऊँ, एकदम न्यू कंडीशन में है, आगे पीछे अलॉय व्हील के साथ में आपको ABS मिल जाता है मात्र 265,000 में। और ये गाड़ी आप फाइनेंस करवा के लेके जा सकते हैं। कहाँ का नंबर है? चतरा का। चतरा का फाइनेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह? नहीं नहीं फाइनेंस हो जाएगा। 30% डाउन पेमेंट करके लेके जा सकता है। अगली गाड़ी निंजा 300 है। निंजा 300 जेट 3। कब का मॉडल ये? 2015 मॉडल। 2015 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर गाड़ी जी। चला होगा? चला हुआ है 11,000 किलोमीटर। कितना दे देंगे पार्टी को? 195,000 रेट है। 195,000 में आप दे देंगे। कंडीशन बताइए थोड़ा गाड़ी का। जैसा कंडीशन अच्छा ज़्यादा चला हुआ नहीं, 2015 मॉडल है, 10-11,000 यूज हुआ। हाँ ये तो रॉयल गाड़ी है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कंडीशन न्यू है, स्क्रैच वगैरह भी जरा सा भी नहीं है, आगे पीछे टायर न्यू है, आगे पीछे आपको डिस्प्ले के साथ में मिल जाता है, कलर वाइट है, वाइट और ब्लैक का मिक्स है। ये गाड़ी मात्र आपको मिल जा रही है निंजा कितने में? 195,000। 195,000 में ये गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगा? हाँ इजी फाइनेंस नहीं, फाइनेंस ये वाला नहीं हो पाएगा, इसको कैश लेना होगा। हाँ कैश लेना होगा इसको। अच्छा और वो 390 वो तो हो जाएगा जी, इसको कैश लेना पड़ेगा। ये गाड़ी का नंबर, ये तो रांची का नंबर है ना? हाँ रजिस्ट्रेशन रांची का, निंजा रांची का नंबर है। अगली गाड़ी RC 200। RC 200 जी। कब का मॉडल है? 20। 2020 का। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना चला हुआ है? चला हुआ 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर चला हुआ है। कितना देंगे पार्टी को? 175,000। 175,000 में जी। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ ये वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कितना सीसी का बताया आपने? 200 सीसी का है ना जी। इस गाड़ी का दाम है 175,000। ये गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगी। कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन काफ़ी अच्छा है, आगे पीछे का टायर नया है, आगे पीछे आपको ABS के साथ में मिल जाता है 175,000 में मात्र। ये गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगी, तो इसे भी आप 30% डाउन पेमेंट करके लेके जा सकते हैं। अगली गाड़ी BMW। अच्छा यही वाला है वो ना जी, BMW 310cc। हाँ कब का मॉडल है सर की गाड़ी? मॉडल ये वाला 22 का होगा, 2022 का जी। कहाँ का नंबर है? धनबाद का नंबर है। धनबाद का नंबर है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना चला होगा लगभग? चला हुआ है 14,000। कितना चला हुआ है? 14,000 चला हुआ है मात्र। 14,000 ये गाड़ी चला हुआ है। कितना प्राइस रखा गया है इसका? 265,000। 265,000 में BMW 310cc आपको मिल जाता है। कंडीशन की क्या बात करूँ मैं, एकदम न्यू गाड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो चमक रही है गाड़ी, आगे पीछे का टायर नया है, ABS के साथ में मिल जाता है। 265,000 में, 265,000 में अगर ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ हाँ फाइनेंस हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगा ना
जी वगैरह तो होगा ही इसका नया। हाँ अभी तो होगा। BS6 गाड़ी होगा जी। BS6 एकदम न्यू गाड़ी है। अगर BMW कोई लेना चाहता हो तो 310 cc, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है 310 cc, राइडिंग के लिए भी अच्छा है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। लद्दाख वगैरह टूर करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा गाड़ी है ये। ये गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं, एकदम न्यू आया हुआ है 310 cc का BMW। ये गाड़ी मात्र आपको मिल जाती है 2,65,000 रुपये में अवेलेबल है। BMW 310 cc एकदम न्यू गाड़ी है। अगली गाड़ी सर जावा क्लासिक। जावा क्लासिक। क्लासिक कब का मॉडल है? 19 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? सेकेंड ओनर है। सेकेंड ओनर है। कितना चला होगा? चला हुआ 30,000 के आसपास है। कितना में देंगे पार्टी को? 1,15,000। 1,15,000। कितना डिस्काउंट देंगे? 5-6,000। 5-6,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है। और बात करते हैं गाड़ी की कंडीशन की, तो कंडीशन काफ़ी अच्छा है। आगे पीछे का टायर नया है। आगे पीछे आपको ABS के साथ में मिल जाता है। 1,15,000 मात्र जी। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ ये वाला हो जाएगा। ये गाड़ी भी फाइनेंस करा के आप लेकर जा सकते हैं। अगली गाड़ी Avenger 220। Avenger जी 220 cc। हाँ कब का मॉडल है सर ये? 18 का मॉडल है। 2018 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर। कितना चला हुआ है? 16,956 किलोमीटर यूज़ किया। 16,956 किलोमीटर। कितना में देंगे पार्टी को? 58,000। मात्र 58,000 में दे देंगे जी। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा 18 का। Avenger 220 cc मात्र 58,000 रुपये में। कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन काफ़ी अच्छा है। आगे पीछे का टायर नया है। आगे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, पीछे ड्रम मिल जाता है, मात्र 58,000 में। और ये गाड़ी भी आप फाइनेंस करा के लेके जा सकते हैं। तारिक सर अगली गाड़ी CVZ Extreme 200। कब का मॉडल है ये? मॉडल 20 का है। ये भी तो नया दिख रहा है पूरा जी। पूरा न्यू गाड़ी है। 2020 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। कितना चला होगा लगभग? 17,000 यूज किया हुआ है। मात्र 17,000 किलोमीटर यूज किया गया है। गाड़ी मुझे एकदम नया दिख रहा है। कितना में देंगे पार्टी को सर ये? ये 78 ABS में देंगे जी। कितना डिस्काउंट दे देंगे? 5-6,000। 5-6,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है आपको मात्र 78,000। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? जी हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगी सर। कोई दिक्कत नहीं होगा? कुछ पेपर ऊपर सारा कुछ ओके? सब ओके है। गाड़ी में तेल डालो और चलाओ, चलाइए। कोई काम करवाना नहीं? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं करवाना। बात करते हैं गाड़ी की कंडीशन की, तो कंडीशन काफ़ी अच्छा है। स्क्रैच एक भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे, एकदम न्यू दिख रही है। आगे पीछे का टायर नया है। आगे पीछे आपको ABS के साथ में मिल जाता है। ये गाड़ी मात्र 78,000 जी। और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आ जाइएगा आप व्हीलर डीलर दलादल। अगली गाड़ी सर पल्सर 150। पल्सर 150 cc। कब का मॉडल है? 2018 मॉडल। 2018 मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। कब का मॉडल बताया आपने? 18 का। कितना चला हुआ है लगभग? 26,000। मात्र 26,000 चला हुआ है जी। और 18 का मॉडल है जी। मात्र 26,000। कितने में दे देंगे पार्टी को? 60,000। मात्र 60,000 में गाड़ी मिल जाएगी। डिस्काउंट कितना मिलेगा? 5,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइनेंस हो जाएगा ये गाड़ी? हाँ ये वाला हो जाएगा फाइनेंस। ये गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगा। मात्र 60,000 में 150 cc पल्सर आपको मिल जा रहा है 2018 का। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन काफ़ी अच्छा है। तेल डालिए और चलाइए। आगे पीछे टायर नया मिल जाता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम मिल जाता है। और ये गाड़ी भी आपको फाइनेंस हो जाएगी। इस गाड़ी का प्राइस है मात्र 60,000 रुपये। अगली गाड़ी सर CVZ Extreme। CVZ Extreme कब का मॉडल है? 13 का मॉडल है। 2013 का मॉडल है जी। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। कितना चला हुआ है? चला हुआ 40,000 के आसपास है। कितना में देंगे पार्टी को? 38,000। ये गाड़ी फाइनेंस होगा कि नहीं? ये वाला नहीं हो पाएगा, इसको कैश लेना पड़ेगा। कैश में डिस्काउंट मिलेगा इस पे? मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा लगभग? 4-5,000। 5,000 इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 38,000 का गाड़ी है, मतलब 33,000 में लेके जा सकते हैं। डिस्काउंट करने के बाद मात्र आपको 33,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी CVZ Extreme जी। और कंडीशन में बता देता हूँ, कंडीशन काफी अच्छी है। आगे पीछे टायर का कंडीशन अच्छा है। आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम के साथ में मिल जाता है आपको मात्र 33,000 में CVZ Extreme। अगली गाड़ी पल्सर 180। पल्सर 180 cc। कब का मॉडल है ये? 14 का मॉडल। 2014 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर है सेकेंड ओनर है? फर्स्ट ओनर है। कितना चला होगा लगभग? 32,000 किलोमीटर। कितना में देंगे पार्टी को? 42। मात्र 42,000 में देंगे। इस पे भी डिस्काउंट हो ही जाएगा? हाँ कुछ बहुत हो जाएगा। पल्सर 180 cc मात्र 42,000 में, उस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किसी का 30,000 से 40,000 के बीच में बजट हो तो व्हीलर डीलर में आ जाइएगा, आपको बाइक मिल जाएगा। एक मैंने आपको 33,000 की बाइक दिखाई थी और ये मात्र 42,000 का है और उस पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगली गाड़ी पल्सर 220। पल्सर 220 cc। कब का मॉडल है? 17 का मॉडल। 2017 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। कितना चला होगा लगभग? 25,000 किलोमीटर चला होगा। 25,000। कितना में देंगे पार्टी को? 64,000 में।
मात्र 64,000 रुपये दे देंगे। गाड़ी में कोई काम करवाना है? नहीं, काम तो ऐसा नहीं। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ, ये वाला हो जाएगा। ये गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगी। पल्सर 220 सीसी मात्र आपको मिल जाता है 64,000 रुपये में। और गाड़ी कंडीशन में बता देता हूँ, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और एलॉय व्हील के साथ में आपको मिल जाता है। इस गाड़ी का जो मॉडल है वो है 2017 और मात्र मिल जाता है आपको 64,000 में। डिस्काउंट इसमें भी हो जाएगा? इसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस गाड़ी की खास बात यह है कि गाड़ी हम फाइनेंस करवा सकते हैं मात्र 64,000 में। अगली गाड़ी सर अपाची 180। अपाची 180 सीसी जी। कब का मॉडल है? 2020 का। 2020 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है जी। कितना चला होगा लगभग? 6,000 किलोमीटर यूज किया हुआ। मात्र 6,000 किलोमीटर यूज किया गया। कितना दे देंगे पार्टी को? 86,000। 86,000 में दे देंगे। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी? हाँ, ये वाला हो जाएगी। ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5-6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार पे भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। कंडीशन में बता देता हूँ, गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी है। आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाता है मात्र 86,000 रुपए में। और ये गाड़ी भी आप फाइनेंस करवा के लेके जा सकते हैं। कंडीशन काफी अच्छी है। तारीख से थोड़ा फाइनेंस के बारे में बताइए। फाइनेंस रांची के एड्रेस पे ही हो पाएगा? अभी रांची के एड्रेस पे हो पाएगा। रेडियस तो 100 किलोमीटर का था? हाँ, 80-90 किलोमीटर, मतलब रेडियस 100 किलोमीटर होना चाहिए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 38%। हाँ, मैक्सिमम 38 है, ऐसे 30 से स्टार्ट हो जाता है। अगर सिविल अच्छा रहेगा तो कम में हो जाएगा। सिविल अच्छा रहेगा तो 30% में भी फाइनेंस करवा के लेके जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बस हो जाएगा जी। कितने देर में फाइनेंस करके मिल जाएगा? 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। 1-1.5 घंटे में प्रोसेस, मतलब हाँ। मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी आपके पास 1,00,000 रुपए की है तो 30,000 डाउन पेमेंट करके लेके जा सकता है। हाँ, 30 मैक्सिमम 38,000 के आसपास आराम से लेके जा सकता है। मान लीजिए कोई स्कूटी 50,000 रुपए की है तो 15,000 डाउन पेमेंट करके लेके जा सकता है। 15-18 हज़ार में आराम से लेके जाएगा। 15 से 17 हज़ार के बीच में लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस करवा लेगा वो, है ना। फाइनेंस थोड़ा एड्रेस के बारे में बताइए। एड्रेस रिंग रोड दला दली। रिंग रोड दला दली, धोनी फार्म हाउस के बगल में। बगल में हाँ। फोन नंबर बताइए। 9117755553। शोरूम खुलने का टाइमिंग बताइए। सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला हुआ है। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे फोन कर सकता है आपको। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सातों दिन ओपन करना कर सकता है जी। सातों दिन ओपन रहता है दुकान? सातों दिन खुला रहता है, किसी दिन बंद नहीं रहता है। बंद नहीं रहता है। संडे को सिर्फ फाइनेंस नहीं होता है। फाइनेंस संडे के दिन फाइनेंस नहीं होगा, बाकी सब दिन फाइनेंस हो जाएगा। तो तारिक सर ने हमें बहुत सारी गाड़ियों के बारे में बताया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया। तो तारिक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए शोरूम में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।